तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे जॉन अब्राहम की 10 बड़ी आने वाली मूवी के बारे में, जो कि हाल ही में जॉन अब्राहम की 1 बिलियन रिटर्न्स मूवी रिलीज हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। लेकिन अब जो जॉन अब्राहम फिल्में लेके आ रहे है वो काफी बड़ी बड़ी मूवी होगी, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा और आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को कर देना लाइक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। नंबर एक पर है तेहरान। तेहरान जो कि एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर मूवी होगी, जो कि इस मूवी को डायरेक्शन दिए है अरुण गोपालन। तो वही जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे जॉन अब्राहम और मानुषी चिल्लर, जो कि इस मूवी का शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो वही बात करें रिलीज डेट की, इस मूवी को रिलीज किया जाएगा 2023 में। नंबर दो पर है स्पाई एक्शन थ्रिलर मूवी पठान, जो कि इस मूवी को डायरेक्शन दिए है सिद्धार्थ आनंद। तो वही जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे जॉन अब्राहम, शाहरुख खान, सलमान खान और दीपिका पादुकोण, जो कि इस मूवी में सलमान खान कैमियो रोल करते दिखाई देंगे, यानी कि इस मूवी में सलमान खान 5 से 10 मिनट के लिए दिखाई देंगे। वही इस मूवी में शाहरुख खान एक सीक्रेट एजेंट के रोल में दिखाई देंगे और वही जॉन अब्राहम खतरनाक विलन के रोल में दिखाई देंगे। वही बात करें रिलीज डेट की, तो इस मूवी को रिलीज डेट को कंफर्म कर दिया गया है और यह मूवी अगले साल 25 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हो जाएगी। नंबर तीन पर है तारिक। तारिक जो कि एक बहुत ही अच्छी मूवी होने वाली है, जो कि इस मूवी में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, जो कि इस मूवी को डायरेक्शन दे रहे है अरुण गोपालन। अरुण गोपालन जो कि तेहरान मूवी को भी डायरेक्शन दे रहे है। तो वही जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे जॉन अब्राहम, और जॉन अब्राहम के साथ कौन कौन एक्टर्स नजर आएंगे इसका खुलासा भी नहीं किया गया है। वही बात करें रिलीज डेट की, तो इस मूवी को रिलीज डेट को कंफर्म कर दिया गया है और यह मूवी अगले साल 15 अगस्त को रिलीज होगी। तो नंबर चार पर है 100%। 100% जो कि एक रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी मूवी होगी, जो कि इस मूवी को डायरेक्शन दे रहे है साजिद खान। तो वही जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे जॉन अब्राहम, रितेश देशमुख, शहनाज गिल और नूरे फातिया। तो वही बात करें रिलीज डेट की, तो इस मूवी को रिलीज किया जाएगा अगले साल दिवाली के मौके पे। तो नंबर पांच पर है सरफरोश 2। सरफरोश 2 जो कि सरफरोश मूवी का सिक्वल होगा, जो कि इस मूवी को डायरेक्शन दे रहे है जॉन मैथ्यू, जो कि पिछले वाले पार्ट को भी डायरेक्शन दिए है जॉन मैथ्यू। तो वही जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे जॉन अब्राहम। तो वही बात करें रिलीज डेट की, तो इस मूवी को रिलीज किया जाएगा 2023 में। तो नंबर छह पर है अय्यप्पनम कस्यम का ऑफिशियल हिंदी रिमेक, जो कि मलयालम मूवी अय्यप्पनम कस्यम में दिखाई दिए थे बीजू मेनन और पृथ्वीराज, क्योंकि अब रीमेक वाले में दिखाई देंगे जॉन अब्राहम और अर्जुन कपूर। वही इस मूवी को डायरेक्शन दे रहे हैं अनुराग कश्यप। तो वही बात करें रिलीज डेट की, तो इस मूवी को रिलीज किया जाएगा 2024 तक। तो नंबर सात पर है हाउसफुल 5। हाउसफुल 5 जो कि एक कॉमेडी ड्रामा मूवी होगी, जो कि इस मूवी को डायरेक्शन देने वाले है फराद शाम जी। तो वही जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार, बॉबी देवल और रितेश देशमुख। तो वही फीमेल लीड रोल में दिखाई देंगी पूजा हेगड़े, जैकलीन फर्नांडिस, दीपिका पादुकोण, कीर्ति खरवंडा और कीर्ति सेनन। तो वही बात करें रिलीज डेट की, तो इस मूवी को रिलीज किया जाएगा 2024 में। तो नंबर आठ पर है 1911, जो कि 1911 में फुटबॉल मैच खेली गई थी उसी के ऊपर इस मूवी का कहानी आधारित होगा। तो वही इस मूवी को डायरेक्शन दे रहे हैं निखिल अडवाणी। तो वही जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे जॉन अब्राहम। तो वही बात करें रिलीज डेट की, तो इस मूवी को रिलीज किया जाएगा 2023 में। तो नंबर नौ पर है फोर्स 3, जो कि फोर्स फ्रैंचाइजिंग का यह तीसरा पार्ट होगा, जो कि यह मूवी एक एक्शन थ्रिलर मूवी होगी और इस मूवी में बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की एक्शन सीन्स दिखाई जाएंगे, जो कि इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे खुद जॉन अब्राहम। तो वही लीड रोल में दिखाई देंगे जॉन अब्राहम, जो कि इस मूवी को रिलीज किया जाएगा 2025 तक। तो नंबर 10 पर है रक्षक। रक्षक जो कि एक सुपर हीरो एक्शन मूवी होगी, जो कि इंडिया की पहली ऐसी मूवी होगी जो कि कॉमिक पर बेस्ड होने वाली है। तो वही लीड रोल में दिखाई देंगे जॉन अब्राहम, जो कि इस मूवी को डायरेक्शन देंगे संजय गुप्ता। तो वही बात करें रिलीज डेट की, तो इस मूवी को रिलीज किया जाएगा 2025 तक। तो ये थी जॉन अब्राहम की 10 आने वाली बड़ी फिल्में।